मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमो। शुभारंभ दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविक कर्मों से भरा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ, उसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। हरिओम शिव शंभु मा। दोस्तों, आज तारीख 21 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख पक्ष शुक्ल। दोस्तों, तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है, शाम 5:40 के बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी, वार मंगलवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों स्वाति नक्षत्र, जो दिन रात रहेंगे। योग दोस्तों व्यतिपात योग है, दोपहर 12:35 के बाद मरियान योग शुरू होगा। और करण दोस्तों आज का तैतिल करण है, शाम 5:40 के बाद गरज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वो वृषभ राशि में होगा, चांद तुला राशि, गुरु वृषभ राशि और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है शाम क्षमा करें सुबह 6:04 पर होगा और निगमन जो है शाम 7:07 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों आज का संकल्प हम छोड़ने जा रहे हैं पूजा के लिए, तो कृपा करके आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत की फूल या फूल की पंखुड़ी ले लीजिए और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दीजिए। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्त मानस ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरि कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण विभागे महाराष्ट्र देश व्यापार चांदवान शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी सर्वसरो में क्रोधी नाम सर्वसर उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास शुक्ल पक्ष मंगलवार वासले स्वाति नक्षत्र व्यतिपात योगे तैतिल करने त्रयोदशी शुभ तिथौ वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़ाप्पा मम पात्र गुरु तक्षय द्वार श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। ये संकल्प जो है दोस्तों ये खत्म हो चुका है। आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 12:35 तक, इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर आप नया संकल्प तैयार करें और उसमें आप करने जा रहे हैं जो धार्मिक विधि है उसका उल्लेख अवश्य करें, तब जाकर आपकी सेवा, धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में देखते हैं, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 23, 25, 27, 28 जून, तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23 और 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 28 जून, तारीख 3।
मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 जून, तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23 25 जून, तारीख 2 और 3। दोस्तों अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे। दोस्तों इसमें जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इन किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं दिया गया है दोस्तों, क्योंकि गुरु और शुक्र ये दोनों प्रमुख ग्रहों का अस्त काल है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर या आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार कर, और जब अपने लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से उजागरण कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन न करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों दोपहर 1 बजे के बाद इच्छा दी नहीं उसके पहले नहीं। दिन विशेष दोस्तों श्री नरसिंह जयंती है। इस जयंती उत्सव अगर आपके कुटुंब की परंपरा है तो ही आपको नियमों में रहकर ये जयंती उत्सव करना है दोस्तों, वरना नए सिरे से आप ना शुरू करें तो अच्छा है दोस्तों। दोस्तों शाम 5:40 तक गवाड़ी योग है, ये शुभ योग होता है दोस्तों। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसका यश आपको प्राप्त होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही आप कर सकते। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई महत्वपूर्ण काम अगर बनते बनते बिगड़ता है तो कृपा करके उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि ये राहु का प्रभाव होता है, राहु काल का प्रभाव। दोस्तों आप दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। शुभ कल्याण, हरिओम, शुभ महाप्रभु।